जवान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5। मंडे को शाहरुख खान की जवान ने की बंपर कमाई, लेकिन नहीं तोड़ पाई सनी देओल की गदर 2 का रिकॉर्ड, जाने कलेक्शन। जवान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, शाहरुख खान की जवान बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई कर रही है। फिल्म का मंडे टेस्ट का रिजल्ट भी धुआंधार रहा और इसने पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद से यह फिल्म हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहले दिन फिल्म ने 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद संडे को भी फिल्म ने 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया। चलिए यहाँ जानते हैं जवान का पांचवें दिन यानी पहले मंडे टेस्ट का रिजल्ट कैसा रहा है। जवान का मंडे टेस्ट का रिजल्ट कैसा रहा है। सिर्फ 4 दिनों में शाहरुख खान की जवान ने वह मुकाम हासिल कर लिया है जो ज्यादातर फिल्में अपने लाइफ टाइम में नहीं कर पाई। फिल्म का क्रेज ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है और भारत पाकिस्तान मैच के बावजूद सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए जबरदस्त भीड़ नजर आई। इसी के साथ संडे को फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ 80.1 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसमें हिंदी वर्जन में सबसे ज्यादा 71.63 करोड़, तमिल में 5 करोड़ और तेलुगु में 3.47 करोड़ का कलेक्शन मेल है। वहीं अब जवान के मंडे टेस्ट रिजल्ट भी आ गया है जो बेहद शानदार रहा है। पहले मंडे को गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकी जवान शाहरुख खान की फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों में ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ ये फिल्म साल 2023 की 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली बॉलीवुड की तीसरी फिल्म भी बन गई है। हालांकि जवान अपने पहले मंडे की कमाई से गदर 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। दरअसल गदर 2 ने अपने पहले सोमवार को 38.7 करोड़ कलेक्शन किया था। हालांकि जवान 7 पठान का पहले मंडे का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। पहले सोमवार को पठान का कलेक्शन 26.5 करोड़ रुपये था।